तो मैं ये देखें क्या बना रही हूँ यहाँ पर जनाब मैं बना रही हूँ चिकन चीज बॉल ये वाली इस जगह पे चिकन चीज बॉल ये मैंने चिकन जनाब रखा हुआ है बॉयल होने के लिए नमक और काली मिर्च डालकर यहाँ पर जनाब मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ कौरमे के लिए मटन कौरमा और इस जगह पर बनेगा चिकन बिरयानी ठीक है जी और इसमें चिकन मैंने बनाना था तो मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए थे और जनाब हमारे घर आ जा रहे हैं कुछ गेस्ट जिन्हें हमने डिनर पे इनवाइट किया हुआ है तो हम इसलिए जनाब सुबह ही सुबह उठ गई थी माँ बेटियाँ और हम लग गए थे तैयारी करने के लिए खाना बनाने की और यहाँ पर जनाब मैंने जो चिकन बॉईल किया था ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया था ना जब तो उसको मैंने गाजर और शिमला मिर्च के साथ ना अच्छी तरह से ग्राइंड करके ना उसमें मैंने डाल दिया था जनाब मायूनीज और काली मिर्च बस दैट्स इट और उसको कर लिया था मैंने अच्छी तरह से मिक्स और यहाँ पर मैंने ब्रेड के पीस जो है ना वो काट के रखे हैं साइड पे और दूसरी साइड पे मैंने पानी रखा है जिसमें ब्रेड के पीसेस को मैं डिप करती जाऊंगी और अच्छी तरह से उसको निचोड़ के ना तो मैं जो मसाला बना के रखा हुआ था ना चिकन का वो इसमें मैं भरूंगी और बॉल बना दूंगी ठीक है बॉल बना के रखती जाऊंगी यहाँ पर मटन भी मेरा जो है ना वो तकरीबन बन चुका था और जनाब यहाँ पर मैंने प्याज लिया इसमें इसको थोड़ा सा ब्राउन किया और इसके ये मैं क्योंकि चिकन हांडी बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से काली मिर्च और सुरख मिर्च लहसुन अदरक की पेस्ट और नमक डाल के बहुत अच्छी तरह से भून लिया था इसको मैंने और उसके बाद टमाटर भी डाल के मैंने हरी मिश्री डाली इसमें टमाटर डाल के मैंने इसको ना हल्की आंच पे रख दिया था ठीक है और हाँ जी सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया भी मैंने इसमें ना कुटावा डाला था और जनाब यहाँ पर मेरी बेटी बना रही है फालसे का जूस तो ये बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई गेस्ट आती है ना तो वो ये ही बनाती है और ये हमने ना फ्रीज करके रखे होते हैं बहुत ही टेस्टी होता है यमीसा और ठंडा ठंडा तो बड़ा ही मजा आता है इसको पीने का वो इसने फ्रीज़र में रख दिया था सब पहले से ही कि माँ इसको रख देते हैं ताकि जो है ना ये ठंडा सा हो जाए और यहाँ पर जनाब हम सब कुछ करके खाना शाना बना के फारिग बैठ गए थे मैंने कहा था कि जो चीजें गर्म रखनी है ना उनको बाद में लास्ट में बनाएंगे जब आधा घंटा रह जाएगा सबके आने में क्योंकि चिकन बिरयानी जब बना रही होती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि चलो उसका जो चावल है ना वो लास्ट में मैं इनको करूंगी और यहाँ पर बखूर तो मैं लाजमी लगाती हूँ क्योंकि खुशबू जो है ना बड़ी अच्छी लगने आने लग जाती है पूरे घर से साफ सुथरा घर और बखूर की खुशबू जबरदस्त बड़ा अच्छा लगता है वो सारा माहौल और यहाँ पर जनाब मैंने ये जो है ना अंडे इनको तीन अंडे मैंने फेंट के रख लिए थे और ये ब्रेड क्रम्स हैं और वो जो बॉल बना के मैंने फ्रिज में रखे थे ना सिर्फ फ्रिज में रख देना है ताकि थोड़े से ठंडे हो जाए ठीक है पकड़ने आसान हो जाते हैं <laughs> अच्छा जी फिर मैंने उनको अच्छी तरह से एक ब्रेड क्रम्स में पहले अंडे में लगाया उसके बाद ब्रेड क्रम्स मैंने में उसको डिप इसको किया अच्छी तरह से और उसके बाद जनाब इसको मैंने तलना शुरू कर दिया और ये इतने टेस्टी होते हैं ना मैं आपको बता नहीं सकती सब सब ने बहुत तारीफ की थी इनकी बहुत यमी है और जनाब राइस मैंने मेहमानों के आने के बाद रखे थे क्योंकि बॉयल ही करने थे तो मुझे यह था कि अभी मेरी बेटी बैठ के गप्पे शपे लगाएगी सब बैठेंगे और मैं आराम से जो है ना राइस बना लूंगी तो जनाब यहाँ पर मैं निकाल ही रही थी तो बेल हो गई और माशाल्लाह से हमारे गेस्ट इस टाइम आ चुके थे हम सब ने जाकर उनको पे जाकर उन्हें रिसीव किया और हम सभी बाहर आ गए थे और गेस्ट जो होते हैं ना वो तो होते हैं जनाब अल्लाह ताला की रहमत जब घर में आते हैं तो आपके लिए बहुत रहमत बनकर आते हैं तो बस उनको मैं मिल ही रही थी और उसके बाद जनाब हम आ गए अंदर और इनको बिठाया और उसके बाद मैंने अपनी बेटी से बोला कि आप ऐसा करो कि सबको सर्व करो जो आपने जूस बनाया तो सबको जो है ना जूस बहुत पसंद आया था तो मेरी बेटी ना बहुत मज़े का बनाती है और बड़ा ही मज़ा आता है फालसे का जूस पीकर ना क्योंकि गर्मी में तो जो है ना ठंडा ठंडा सा जूस होना तो मज़ा आ जाता है कल मेरी बेटी ने बहुत दूर चले जाना है हम सब से तो इसीलिए सब उसे मिलने आ रहे थे आप मेरे साथ जुड़े रहें कल के ब्लॉग में आपको बताऊंगी कहाँ जा रही मेरी बेटी दिल बस ऐसे ही बोझल सा था और आपको पता ही है कि बेटियों से कितनी रौनक होती है घर में यही तो घर में चहचहाती रहती हैं मेरे बेटे को ना छोटे बच्चों से बड़ा प्यार है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे देखते हैं उनको गोदों में उठा के ना बस प्यार करने लग जाता है तो बस यहाँ पर सारे आए हुए थे और सब आए हुए हों तो मज़ा भी बहुत आता है अच्छा भी बहुत लगता है लेकिन जब किसी ने जाना हो तो दिल उदास भी बहुत होता है तो बस जी यहाँ पर मैं फ़िश जो है ना वो फ़िश और राइस ये मैंने सोचा था गरम गर्म ही अच्छे लगते हैं तो इनको एंड टाइम पे बनाऊंगी और एक्चुअली जो हमारे गेस्ट थे वो तकरीबन मग़रब टाइम मगरब से थोड़ी देर पहले आ गए थे ना तो मुझे ये था कि मैं आराम से हर चीज़ बनाऊँगी तो यहाँ पर जनाब मैंने बॉयल राइस की है और दूध में ना थोड़ा सा मैंने जर्दे का कलर डाल कर ना तो नीचे वाली जो लेयर होती है ना उसमें मैं दूध और जर्दे का कलर डाल कर अच्छा सा मैं इसको ना आ, आ, ये डाल देती हूँ निचली तय में ठीक है जी उसके बाद जनाब मैं इसके ऊपर डालती हूँ फिर चिकन असल में बिरयानी ऐसी चीज़ है जो छोटे बड़े हर कोई पसंद करते हैं और मज़े की भी बन जाती है और ज़रा स्पाइसी सी हो ना तो और ज़्यादा अच्छी लगती है वैसे तो बहुत से लोग इसमें आलू भी डालते हैं लेकिन मैं आलू इसलिए नहीं डालती कि मुझे ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा ना जायका उसका चेंज हो जाता है बिरयानी का और जब हर चीज़ अच्छी बनी हुई हो दिल से बनी हुई हो ना तो जब कोई तारीफ़ करता है ना तो यकीन करें जो मेहनत की हुई होती है ना वो सारी की सारी वसूल हो जाती है और मुझे तो अगर कोई कहे ना कि आपने ये सब कुछ बहुत अच्छा था आपका बनावा तो मेरा तो दिल बहुत खुश हो जाता है कबाब भी मैंने सारे मैंने कबाब इसलिए नहीं आप लोगों को दिखाए बनाते हुए क्योंकि वो पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी नहीं हूँ तो मैंने कहा कि चलो मैं जब टेबल लगाऊंगी वही आपको दिखा दूंगी सारी ठीक है जी और जनाब उसके बाद जो ना मैंने जो मैंने चिकन हांडी बनाई थी उसमें मैंने सर्व करते हुए क्रीम ऐड कर दी थी और जब आप लोग कहेंगे तो मैं चिकन हांडी की और चीज़ बॉल की रेसिपी दे दूँगी अगर अच्छी लगी तो ठीक है जी और उसके बाद यहाँ पर मेरी बेटी ने सारी प्लेट्स वगैरह रख दी थी और हर चीज़ उसने जो है ना लगा दी थी यहाँ पर ना और ये जनाब चिकन चीज़ बॉल चेक करें ये फ़िश है उसके बाद कबाब हैं और उसके बाद जनाब राइस हैं चटनी भी हमने बनाई थी और हर चीज़ जो है ना यकीन करें हांडी भी रख दी थी हर चीज़ बहुत टेस्टी थी कि बच्चियाँ माशाला सब यही कह रही थी कि बस आंटी आपने तो कमाल ही कर दी इतनी टेस्टी हर चीज़ बनाई है और यहाँ पर ये मीठा मैंने एक ही बनाया था ट्राइफल बनाया था क्योंकि मीठा जो है ना हमारे इतना कोई नहीं शौक़ से खाते हैं तो बस वो मैंने रख दिया और उसके बाद जनाब इनकी ना तकरीबन ग्यारह साढ़े ग्यारह के करीब तैयारी हो गई थी जाने की वापसी की तो सब जो है ना बस तैयारी हो गए हुए थे तो बाकी मैं इनशाला तला कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी जो भी रूटीन हमारी हुई तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मुझे ऐसे ही लगता है कि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ हर चीज को शेयर करती हूँ तो जब हम जाने लगे ना तो मेरी बेटी दिखा रही थी कि ये हमारे सुजने का जो दरख्त है ना कि देखें कितना बड़ा हो गया अभी छोटू सामने लगवाया था और माशाला इतना बड़ा हो गया बच्चे जो जितने भी थे ना सो गए थे और गोदी में ले लेके उनको जा रहे थे तो बस यहाँ पर हम जो है ना लॉन में खड़े हुए थे और आज ना मौसम भी बहुत अच्छा था इतना ठंडा मौसम था ना कि खड़े हो बाहर बड़ा मज़ा आ रहा था तो बस यहाँ पर मेरी बेटी को सब दुआएं भी दे रहे थे और समझा भी रहे थे तो बच्चों को तो दुआओं की बड़ों की दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है तो यहाँ पर मेरी बेटी मिल रही थी सबसे तो मेरा व्लॉग यहाँ तक की अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स और इंशाल्लाह ताला मिलूंगी आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मुझे दी इजाज़त अल्लाह हाफिज़